आने वाली रंगपंचमी के मौके पर इंदौर की डीआईजी रुचि वर्धन मिश्र ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे और इंदौर के तीसरी बार नंबर वन आने पर बधाइयां भी दी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस बार रंगपंचमी पर पूरे शहर में कैमरा लगवाए जाएंगे, उसी के साथ पुलिस का सुरक्षा बल भी हर जगह तैनात किया जाएगा। साथ ही जगह जगह सख्ती से वाहनों की चेकिंग की जाएगी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के डीआईजी रुचिवर्धन मिश्रा जी, आइए उनसे बात करते हैं आने वाली रंगपंचमी के इंतज़ाम के बारे में। मैम, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, होली आने वाली जो रंगपंचमी है उसमें हमारी जो इंदौर पुलिस है क्या क्या इंतज़ाम करने वाली सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर के काफ़ी व्यापक हमारे इंतज़ाम रहेंगे। पिछले सालों की जो व्यवस्था है उसके जो फीडबैक है उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है और जो हमारे करीबन 1000+ का स्टाफ इस पूरी व्यवस्था में रहता है और इसके साथ सिविल ड्रेस में भी हम स्टाफ रखते हैं, इसमें महिला स्टाफ भी रहेगा ताकि हम ऐसे लोगों पर निगरानी रख सकें जो किसी तरह की कोई अवांछनीय कोई गतिविधि करने का जिनकी ऐसी नीयत हो तो उनको हम चिन्हित कर सकें। और इसके अलावा हमारी वीडियो कैमराज के पूरा एक सिस्टम रहेगा, सिटी सर्वेलेंस सिस्टम तो है ही, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कैमरे भी डिप्लॉय करते हैं जिसके लिए जो कंट्रोल रूम है वो वहीं राजबाड़ा के पास में बनता है, उसके थ्रू भी निगाह रखी जाती है। और साथ में हम ड्रोन कैमरा भी, चूँकि काफ़ी बड़ा लंबा जुलूस रहता है तो ड्रोन कैमरा से भी ये निगाह रहेगी तो ऐसे लोगों को मॉनिटर किया जाएगा जो किसी तरह की बदमाशी कर सकते हो। तो हमारा पूरा जोर इस बात पे है कि परिवार के लोग, इंदौर की पूरी जनता बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत ही उल्लास के वातावरण में सुरक्षित तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को, इस त्यौहार को मना सके। मैम, अभी स्वच्छता में हमारा इंदौर तीसरी बार नंबर वन आया है तो उसमें कुछ आप बोलना चाहेंगे? ये वाकई में इंदौर की खासियत है कि ये जन जन में ये एक मैसेज है, ये एक कहना चाहिए कि एक प्रक्रिया उन्होंने अपना ली है जिसके तहत वो इंदौर को स्वच्छ बनाने में हर एक व्यक्ति अपना योगदान देता है और ये यहाँ देख करके मुझे भी बहुत खुशी है। ये एक्चुअली हम में खुद में भी ये हैबिट होनी चाहिए और हमारे बच्चों में भी हमको ये इनकलकेट करना चाहिए। तो इंदौर ने एक लेवल अचीव किया है, इसके लिए सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। यह थे इंदौर के डीआईजी श्रीमती रुचिवर्धन मिश्रा जी के साथ हमारी खास बातचीत। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ भारती व्यास, कड़वाहट न्यूज़, इंदौर। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ भारती व्यास की रिपोर्ट।